अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट तैयबा। आप देख रहे हैं CPN News HD Plus। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से। ब्यूरो चीफ कबीरवाला साजिद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक मदीना फेडरेशन के ओहदेदार जनाब लियाकत अली गोहर, जो कि UK लंदन में मुकीम हैं, लियाकत साहब ने अपनी फेडरेशन के फंड से पाकिस्तान में गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपने एक नुमाइंदा मोहम्मद यासीन, जो कि इनके साथ एक साउथ पंजाब नुमाइंदे की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट और तावुन से ना जाने कितने गरीब ख़ानदान, जो कि अपनी बेटियों के जहेज का सामान नहीं खरीद सकते थे, उनको जहेज का सामान और उनकी शादी के लिए मदद की। और यही नहीं बल्कि खेलों की सरगर्मियों में भी खासी दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ क्लबों में लाखों रुपये फ़ंड दे चुके हैं, जिसमें टैक्वेंडो, निंजा, वोशो और मुख्तलिफ स्टाइल शामिल हैं। इन क्लबों में गरीब स्टूडेंट्स, जो कि वर्दी और फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान में मसाजिद, मदारिस और यतीम बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। यकीन नहीं आता कि आजकल के दौर में रज़ा खुदावंदी के लिए कोई इतना भी कर सकता है, जो कि लियाकत अली गौहर साहब कर रहे हैं। याद रहे कि लियाकत अली साहब एक हाफिज़ कुरान और बजाते ख़ुद टैक्वेंडो स्टाइल के एक बहुत बड़े मास्टर हैं और इन क्लब UK लंदन में रजिस्टर्ड हैं। लियाकत अली गौहर साहब के साथ सर मीर वाइज साहब, मोहम्मद शकील, उमर गौहर और मोहम्मद यासीन पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं।